असल बात ये भी है ना दोस्तों कि मुझे ये सारे काम करने में बड़ा अच्छा भी लगता है और ऐसा होना भी चाहिए कि अपना काम खुद करे आदमी, खुद कपिल जिसको बोलना चाहिए कि अपना काम खुद ही करे। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोगों के हाल चाल। मैं आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूं। दोस्तों बहुत दिनों से लोगों की शिकायत थी कि मैं कोई ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूं। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा काम में ज़्यादा मसरूफ़ हूं, कुछ लिखने का काम है, कुछ एडिट का काम है यहीं मुंबई में, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि ठीक है, अब जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं ब्लॉग बना लिया करूँगा। अभी फ़िलहाल आज थोड़ा सा आराम था इसलिए मैं थोड़ा लेट भी उठा, अभी करीब 10:30 बज रहे हैं, तो अभी उठ के मैं कुछ खाना वाना बनाऊंगा। अभी मैंने सोचा है कि आज दोपहर में आलू की चटनी बनाता हूं, और मैं बताऊं कि मैं कैसे बनाता हूं आलू की चटनी वगैरह। जो भी खाना मैं बनाता हूं मैं यूट्यूब पर देखता हूं और उसको देख देख के बनाता हूं, क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है। और दूसरा ये कि यूट्यूब पर देख कर बनाना थोड़ा आसान भी होता है, सारी चीज़ें सामने होती है, फटाफट जैसा वो बोलते जाते हैं उसको गाइडेंस देते हैं वैसा करते जाने का। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू की चटनी, तो आप देखिए मैं कैसे बनाता हूँ क्या करता हूँ। ये सब जो परदेश में रहने वालों का यही हाल होता है भाई, जो अपने शहर से दूर अपने घर से दूर रहते हैं उन्हें सब कुछ अपने हाथों से ही करना पड़ता है। तभी मैंने समझ लिया इसको आलू की चटनी कैसे बनानी है मुझे, तो मैंने सारी चीज़ें नोट आउट कर ली है और अब मैं जाकर आलू की चटनी बनाऊँगा, आइए मेरे साथ। तो ये हम जा रहे हैं मेरे किचन में, ये देखिए पूरा किचन है, जस्ट मैंने अभी ये सारा सामान खरीद के लाया है। सिखाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो बड़ी बुरी बात है। तो मुश्ताक अंसारी साहब घर पे भी काम कर लिया करो थोड़े बहुत। और मुझे ना दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं कि मैं जब चाय खाना बना रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, मुझे ना आसपास गंदगी बिल्कुल, इनका भी अगर होता है ना गंदगी का कचरा कुछ पड़ा होता है तो मुझसे ना बर्दाश्त ही नहीं होता, उसको साफ किए बिना मैं सुकून से बैठ ही नहीं पाता। तो ये मेरी मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कही है, अच्छाई कही है कि मुझे गंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। मतलब मैं अगर मैं खाना बना भी रहा हूँ, अगर सब खाना मैंने कंप्लीट करके पूरा बना दिया, रख दिया चूल्हे पर उसको गर्म होने के लिए, जो पकने के लिए, तो उसके बाद तुरंत मैं पूरा टेबल फटाफट साफ कर लेता हूँ किचन टेबल, कि तो उसमें कोई कचरा कोई धूल कुछ बाकी ना रहे। तो दोस्तों फाइनली सारे बर्तन धो लिए मैंने,
अब आइए पकाने की तैयारी करते हैं आलू की चटनी। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ आलू चटनी बनाने की। तो सबसे पहले मैं लूँगा ये 3 आलू लिए, मतलब मेरे अकेले के लिए काफ़ी है, जो कि मुझे अभी दोपहर में और शाम में भी काम आ जाएंगे। तो 3 आलू अभी मैं धोऊंगा अच्छे से और उसके बाद बॉयल करूंगा इसको। दोस्तों आलू मैंने धो लिए अच्छे से, अभी इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उसके बाद इसे बॉयल करने के लिए रखूंगा। तो ये रही पूरी और ये रहे मेरे आलू। रिलेशन पर होता है, यहाँ पे आपके रिलेशन ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। आप यहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म की चीटिंगबाजी नहीं कर सकते, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये मुंबई शहर है, यहाँ लोग जो है ना, आप मुंह खोलोगे वो समझ जाएंगे आप कितने पानी में हो। इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर और पूरा भरोसा होना चाहिए, और सामने वाला जिस टाइप का भी सवाल करे आपको उसका जवाब देने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, तो तभी आप कुछ कर पाते हो। अदरवाइज लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ बातें कर रहे हैं। ज़्यादा हो चुके हैं आलू, ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। असल बात ये भी है ना दोस्तों कि मुझे ये सारे काम करने में बड़ा अच्छा भी लगता है, और ऐसा होना भी चाहिए कि अपना काम खुद करे आपने, खुद कपिल जिसको बोलना चाहिए कि अपना काम खुद ही करे, खुद से मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला देगा। और ईमानदारी से ज़रूरी है करना, और जो भी काम आप करना चाहते हैं लाइफ में उसे पूरी ईमानदारी से करें, खुद पसार ना बोलें किसी से, ज़्यादा दिन तक छुपा रह नहीं पाता है। और जिस टाइम को हकीकत सामने आती है, जिनको हमने झूठ बोला है, उनकी नज़र में हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है,
जल्द खत्म हो जाती है। जो हमने किया है वही बता, ये लेकिन किसी और ने कुछ काम किया वो अपना बता के किसी को बता रहे हो कि ये मैंने किया है, ये बहुत बुरी बात है। झूठ की जबान बड़े कितनी लंबी क्यों ना हो इसकी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, और वो झूठ जब सामने आता है तो हमारे पास सिवाय शर्मिंदगी और निदामत के कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, जो खुद किया है वही लोगों को बताओ, वो काम ये बोल के मत बताओ कि मैंने किया है, समझे।